पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आपको रिलैक्सेशन या मेडिटेशन वीडियो बनाना सिखाऊंगा, सो फाइनली इट्स हियर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी सो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, जाके वो देख ले, जिसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस कीवर्ड में या इस निश में कंपटीशन कितना है, कितने गिग्स है, लोग प्राइसिंग क्या चार्ज कर रहे हैं और क्या इस फील्ड में काम है या नहीं है। सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हम मेडिटेशन वीडियोस कैसे बनाएंगे, मेडिटेशन वीडियोस के लिए स्टॉक वीडियोस कहाँ से उठाएंगे, फ्री रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे या फिर पेड रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे, फ्री म्यूजिक कहाँ से उठाएंगे, पेड म्यूजिक कहाँ से उठाएंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है pixabay.com। इन सारे वेबसाइट्स का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। pixabay.com पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी फ्री एसेट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने आना है वीडियोज़ में। अब वीडियोज़ में यहाँ पर सर्च करना है, आपने क्या सर्च करना है वो आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ नेचर। अब देखो ये आ गए हमारे नेचर की वीडियोज़, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फुटेजेस हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला फुटेज डाउनलोड कर रहा हूँ और हम इसको देखें, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग फुटेज है। अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी क्वालिटी आपको चाहिए 4K में चाहिए, जिस भी क्वालिटी में चाहिए वो सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 1080p में कर दें, दैट्स टोटली फाइन। अगर आपको 4K में वीडियो बनानी है यू कैन जस्ट गो फॉर 4K। अब अगर हम मज़ीद दूसरे वेबसाइट्स की बात करें तो वो यहाँ पर pixel.com है। pixel.com पर मैं सर्च कर रहा हूँ नेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम वीडियोस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी सारे फुटेजेस हैं, लेकिन जो पिक्सेबे में आ रहे हैं ना, पिक्सेबे में बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है, इसमें भी अच्छे हैं लेकिन इसमें रिजोल्यूशन सेटिंग्स वगैरह थोड़े अलग है। आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा वेबसाइट है वो है mixkit.com। mixkit.com पे अगेन आपने सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ बर्ड्स, तो ये देखो हमारे पास कुछ बर्ड्स के फुटेजेस आ गए जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा वेबसाइट है वो है videowar.net। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ माउंटेंस, या अगर हम यहाँ पे सर्च करें वाटरफॉल। यहाँ पे मैंने सर्च किया वाटरफॉल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल के काफ़ी सारे फुटेजेस आ रहे हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट फुटेजेस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस हैं तो मेक श्योर आपने इस पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये आपको आई स्टॉक पर ले जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको नहीं छेड़ना, जो हमारा फ्री में एसेट्स पड़े हैं ये फ्री में हैं, ये फ्री में हैं। आई थिंक इसमें सारे फ्री नहीं हैं, लेकिन जो बाकी वेबसाइट्स मैंने बताए उसमें काफ़ी फुटेजेस फ्री में भी आपको मिल जाते हैं। देखो इसमें भी फ्री, ये भी फ्री है, आई थिंक ये प्रीमियम है, ठीक है। देखो इसमें ये वाटर मार्क भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब आप वीडियोस दो तरह के बना सकते हो, एक ही वीडियो को लूप करके आप उसके साथ म्यूज़िक लगाओ और वही एक सेम वीडियो आप 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे जितना भी आप चाहो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर आप लोगों ने मल्टीपल वीडियोस करने हैं तो दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपने मल्टीपल वीडियोस डाउनलोड करके उसको एक साथ मर्ज करना होता है। बट अगर आप लोग एक ही फुटेज को लूप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो फुटेज है उसमें मोमेंट्स नहीं है। अगर उसमें मोमेंट्स हैं तो फिर उसको लूप करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है तो इसको मैं ईज़िली लूप कर सकता हूँ क्योंकि ये जो कैमरा है ये स्टैटिक है, कैमरे में मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल pixabay.com से ये वाला फुटेज डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कैमरा मूवमेंट नहीं है, तो इस शॉट को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। देन इसको हम लूप करते हैं Adobe Premiere Pro में। सो लेट्स गो टू Adobe Premiere Pro। अच्छा, तो यहाँ पे टाइमलाइन पे मैंने वीडियो को इम्पोर्ट कर दिया है। अब ये वीडियो है तो ये स्टैटिक है, ठीक है, इसमें कैमरा मूवमेंट नहीं है।
अच्छा, तो इस फुटेज को ना मैंने 1 घंटा लूप में चलाना है। तो मैं जो सिंपली क्या करूँगा, मैं अल्ट के साथ ये वाला क्लिप पकड़ूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा आगे, ठीक है। अब अगर हम देखें इनके बीच में तो हमें कोई गैप नज़र नहीं आएगा, बट अगर आएगा भी तो हम उसको फेड ट्रांजिशन के साथ ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे। थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो आ रहा है, सो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये बहुत ही अमेजिंगली फेड हो गया और इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको अगेन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे आपने सारे जो क्लिप्स हैं इसी तरह से आपने डुप्लीकेट करने हैं और 1 घंटा तक आपने इसको लूप में रखना है। तो ये देखो, ये अभी मैंने सारे डुप्लीकेट कर दिए हैं। अभी जो वीडियो है वो 1 घंटे से भी बढ़ गई है और इस पर टोटल 2 मिनट भी नहीं लगे। अब मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स को देखना है और मैं यहाँ पे 1 आवर सेट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 1 आवर सेट कर दिया है और अब मैं इसको कर देता हूँ ओके साथ मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और जो बाकी के रिमेनिंग फुटेजेस हैं वो मैं कर देता हूँ डिलीट इधर से। तो ये मैंने सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए। अब मैंने इसके लिए म्यूज़िक फाइंड आउट करना है। तो म्यूज़िक के लिए मैं इन्वर्टर एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी को बहुत सर्च किया लेकिन वहाँ पर मुझे कोई सिमिलर कोई अच्छे साउंड ट्रैक्स नहीं मिले, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर इन्वर्टर एलिमेंट्स। फ्री के भी वेबसाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि बिन साउंड हो गया, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री म्यूज़िक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन जस्ट गूगल इट और आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इन्वर्टर एलिमेंट्स में सर्च कर रहा हूँ रिलैक्स सेशन। तो मैंने यहाँ पे रिलैक्स सेशन सर्च किया और मैं यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक उठा सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला ऑडियो जंप, ये वाला म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और इसको मैं प्रीमियर प्रो में अपने फुटेज के ऊपर लगा देता हूँ। अब इस म्यूज़िक को भी हमने लूप करना है और वो किस तरह से लूप करना है वो हम करेंगे एडोबी ऑडिशन में। वैसे आप प्रीमियर प्रो के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी कर सकते हो, उसमें रिमिक्स टूल आया हुआ है, बट वी आर गोइंग टू डू इट इन एडोबी ऑडिशन, सो लेट्स डू इट। तो म्यूज़िक के लिए मैं सिंपली एडोबी ऑडिशन को ओपन कर देता हूँ। एडोबी ऑडिशन में आपने आ जाना है फाइल में, न्यू में, और न्यू मल्टी ट्रैक सेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दे रहा हूँ लूप म्यूज़िक। आप ओके कर दे, बाकी के जो सेटिंग्स हैं वो आपने ऐसे ही रखने हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना म्यूज़िक इम्पोर्ट कर देता हूँ। अब जो आपका म्यूज़िक ट्रैक है आपने सिंपली उसको क्लिक करके इधर ड्रैग कर देना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और इनेबल रिमिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको 1 आवर तक करना है। तो यहाँ पे 3 मिनट्स के बजाय मैं इसको 60 मिनट्स कर देता हूँ और यहाँ पर जो बाकी वैल्यूज़ है उसको मैं 0 कर देता हूँ। बस इधर आपका काम तमाम हो गया। अभी आपने आ जाना है फाइल में, एक्सपोर्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपने मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन में और एंटायर सेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इधर से आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो, ओके कर दो जहाँ पे आपने सेव किया है। अब वहीं से हम इसको प्रीमियर प्रो के अंदर इम्पोर्ट करेंगे। तो इधर आप अपना म्यूज़िक इम्पोर्ट कर ले और सिंपली उसको टाइमलाइन पे ड्रैग कर दे। सो एज़ यू कैन सी, 1-3 मिनट का जो म्यूज़िक था वो पूरे 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया और ये बिल्कुल भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं है कि इस म्यूज़िक में कट्स लगाए गए हैं वगैरह वगैरह। सो इट्स वेरी इजी, एंड में थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ड्रे कर रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारा रिलैक्सेशन वीडियो। अब इसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं बाई एडिंग साउंड इफ़ेक्ट्स। इसमें अगर हम बर्ड्स के साउंड इफ़ेक्ट ऐड करें और वाटरफॉल के या वाटर स्ट्रीम के जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ऐड करें तो इसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। एक नेचुरल फील आएगा। अभी इसके साथ सिर्फ म्यूज़िक प्ले हो रहा है बट उसके साथ एक नेचुरल फील आएगा। देखो यहाँ पे बर्ड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो पानी आ रहा है उसका भी साउंड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। सो इट विल लुक्स मोर अमेजिंग। And I always recommend to add sound effects, ambience effects to make your videos stand out.
अब ठीक है, हमारा लूप का काम तो हो गया। अब अगर हमने वो दूसरी टाइप बनानी है जिसमें हम मल्टीपल वीडियोस को मिक्सअप करेंगे, तो उसके लिए भी टेक्निक सेम है, जस्ट आपने मल्टीपल वीडियोस को मर्ज करना है। मैं आपको एक सैंपल पे तौर पे कुछ क्लिप्स जो है वो एक साथ मर्ज करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने प्रीमियर प्रो में कुछ फाइल्स को इम्पोर्ट किया है, इसको मैं सिंपली टाइमलाइन पे ड्रैग कर दूंगा, और ड्रैग करने के बाद इसके जो अपने साउंड से वो मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो ये वाले जो हमारे पास आ रहे हैं, और इसको स्मूथ बनाने के लिए इसके बीच में जो क्रॉस डिसॉल्व ट्रांजिशंस होते हैं वो आप लगा ले, और ओके कर देता हूँ, और इधर भी मैं ओके कर देता हूँ, इधर भी मैं ओके कर देता हूँ। मैं म्यूज़िक भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो ये बन गई हमारी वीडियोस। अब अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, आप मीडिया एनकोडर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रीमियर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मीडिया एनकोडर में एक्सपोर्ट करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको प्रीमियर प्रो में अपना वर्क कंटिन्यू करना है तो आपको वेट ना करना पड़े, आप डायरेक्टली अपना काम प्रीमियर प्रो में कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपकी जो रेंडरिंग प्रोसेस है वो उधर मीडिया एनकोडर में होगा। इसका फाइल साइज़ थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, सो यू कैन जस्ट एडजस्ट इट विद दैट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन यू कैन जस्ट थम्स अप। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है देन यू कैन आल्सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे,